लोग कह रहे हैं ना कि ये तो यहाँ आतंकवादी आ गए, खालिस्तानी आ गए, हिंसा फैला रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब सत्य के पुजारी हैं, बहुत शांति से 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। जो दंगा 26 तारीख को फैलाया गया था दिल्ली के अंदर, वो सब भाजपा के ही लोग थे, ये किसान भाई नहीं थे। इन्हें तो दिल्ली के उस भूल भुलैया में जो है ना घुमा दिया गया था, इन्हें रास्ते में जगह जगह बैरिकेड्स लगा के, हम खुद उस रैली में थे, जगह जगह बैरिकेड्स लगा के कुछ किसान डाइवर्ट किया गया लाल किले, खुद डाइवर्ट किया उसे, और जो लाल किले पे पहुंचे वो खुद उन्हीं के आदमी है, नाम किसानों का दे दिया वहाँ पे, तो ऐसे कैसे चलेगा, कैसे मान लेंगे हम लोग। आप आई कहाँ से? मैं जिला शामली से आई हूँ, अंशु बालियान भारतीय। यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग आए हैं जो जिन्हें ये कहा जा रहा है कि वो स्थानीय हैं, उन्हें दिक्कत हो रही है इस आंदोलन से, और ऐसा ही सिंगू बॉर्डर पर भी पहुंचे हैं जहां पर महिलाओं के जो टेंट हैं उन पर भी हमला किया गया है, पथराव वहां पर हुआ है, और उनके हाथ में भी तिरंगा है, उनके हाथ में भी तिरंगा है, ये बात ठीक है, आप सही कह रहे हो, जगह जगह मतलब ये जितने भी बॉर्डर है ना सब जगह ये दिक्कत चल रही है कि भाजपा वाले अपने गुंडों को और RSS वाले गुंडों को मतलब भेजते हैं और उन्हें जगह जगह गाँव गाँव में जाके इकट्ठा कर रहे हैं, देशभक्त हो जाएंगे, हाथ में तिरंगा लेकर के क्या गुंडागर्दी करने की परमिशन मिल जाएगी? वहाँ साइड में खड़े सैनिक साफ के ऐसे ही देख रहे हैं, मुख बने बुत बन गए हैं, और इधर से पथराव हो रहा है, किसानों के टेंट फाड़े जा रहे हैं, किसानों पर हमला किया जा रहा है, यहाँ तक महिलाएं भी है, इधर बनी खड़ी है, इतना पूरा का पूरा ग्रुप है सैनिकों का वहाँ पर, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अब क्यों नहीं वो उन पर लाठीचार्ज कर रहे, जब किसान अपनी रैली कर रहे थे शानदार, वो 60-65 दिन से यहाँ इतने आराम से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति पूर्वक कर रहे हैं, तो एक दिन जब 26 जनवरी को रैली हुई उस एक दिन में इतना बड़ा कांड हो गया, कोई तो बाहर का बंदा अगर घुसा होगा ना वहाँ, और जब ट्रैक्टर पीछे थे तो पहले ही बंदे वहाँ कैसे घुस गए, हम तो ये कह सकते हैं इन्हीं की चाल है ये किसानों का आंदोलन बदनाम करने की, और इन्होंने यहाँ रात को भी, कल परसों रात को यहाँ पर बिजली काट दी गई थी और पुलिस फोर्स बुलाई गई थी, यहाँ पर लाठीचार्ज होता और ये आंदोलन बंद कर दिया जाता, इसी तरह से सिंगू बॉर्डर पर भी अब ये हमला किया जा रहा है, उनको बताया गया कि वो सिंगू के गांव वाले हैं, अगर उनसे पूछ लिया गया, अगर वहाँ के गांव वालों से पूछताछ कर ली गई कि ये सिंगू गांव के है ही नहीं, फिर वो लोग क्या करेंगे, सिंगू गांव के लोगों को पहले तो परेशानी नहीं हुई, उनको ये कहा जा रहा है कि भाई वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, यहाँ धरना कर रहे हैं, तो आकर के इन पर पत्थरबाजी करो, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, सिंगू वाले अगर उनके बॉर्डर लगता है तो उन्हें तो अच्छे तरीके से पता होगा भाई यहाँ लंगर चल रहा है, यहाँ गुरुवाणी होती है, लोग आने से पहले मत्था टेकते हैं दरबार में आकर के। आपका नाम क्या हुआ? कोमल भारती, रोहतक हरियाणा से हूँ। हरियाणा से? आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट? क्लास में ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ जी। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आप बात बता रही हैं और कि वो कौन लोग हैं जो हमला कर रहे हैं, ये आपको किसने बताया, कैसे आप पता चला कि ये जो हमला करने वाले हैं वो RSS वाले हैं या BJP वाले हैं? अच्छा, इन लोगों को किसने बताया ये लोग खालिस्तानी हैं? बिल्कुल सही बताइए ना। किनको? अरे पूरे देश को गोदी मीडिया कह रही है, ये जो अनशन कर रहे हैं, जो तिरंगा के सामने इन्होंने खालिस्तान का ये झंडा फहराया, कैसे साबित कर रहे हैं खालिस्तान का झंडा है, कैसे कह दिया, किस बुनियाद पर कह दिया, तो ये बताइए अगर ये किसानों का आंदोलन भंग होता है तो फायदा किसको होगा, अंबानी को होगा, अडानी को होगा या मोदी को होगा, इन तीनों में से ही किसी को होगा, मोदी को तो हम लोग साफ उसका दलाल बोलते हैं, गोदी मीडिया मोदी का दलाल है, और मोदी किसका दलाल है, अंबानी अडानी का, अगर ये कानून अब लाए गए हैं तो इतने महीनों पहले से अडानी एग्रीकल्चर के बोर्ड उनके बोरी पर प्रिंट ये कहां से आ गए, यानी कि ये प्री प्लांट था, जब इन्होंने नोटबंदी की थी तो दुकान जो देखेंगे ना आप ज्वेलरी की, जो गोल्ड की ज्वेलरी थी, वहां से सोना पहले ही खरीद लिया गया था, उनको कैसे पता चला भाई अगले दिन नोटबंदी होने वाली है, दुकान खाली कर लो, अपना कैश बैंक में जमा करवा दो या फिर सोना गोल्ड इकट्ठा कर लो, कैसे उनके पास खबर कैसे पहुंची, ये भी तो जानने की कोशिश करिए। अब लोगों के मन में इन्होंने गोदी मीडिया के थ्रू सवाल तो खड़ा कर दिया कि ये लोग आंदोलन जो कर रहे हैं वो खालिस्तानी है, जब मोदी ने वो पग पहनी थी जिस पर खालसा का चिन्ह था, तो क्या वो भी खालिस्तानी हो गए थे? ये गुरुद्वारे गए थे? हाँ बिल्कुल, अभी दीपू सिंधु लाइव आकर के वीडियो बना करके डाल रहा है कि BJP को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो उसकी फोटो उसके पास क्या
क्या कर रही है, सनी देओल की वो इलेक्शन रैली करता है, उनके मैनेज करता है सब कुछ, ये सारे सबूत उसके खिलाफ है भाई। लोग पागल थोड़ी ना बैठे हैं। गोदी मीडिया के थ्रू आप लोग कुछ भी मैसेज पहुंचाओगे तो लोगों के मन में सवाल नहीं उठेंगे। अभी आज ही मैं जब यहाँ आ रही थी, अभी तक मैंने बैग भी नहीं उतारा अपना, जब मैं यहाँ रास्ते में आ रही थी, ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ खुद ये सवाल किया कि आप गाजीपुर बॉर्डर पर जा रहे हो, वहाँ तो ऐसे ऐसे बता रहे भाई वो लोग ठीक नहीं है, अरे आपको किसने कहा, लेकिन न्यूज़ वाले तो ऐसे ही दिखा रहे हैं। तो वो उसके मन में खुद ही आ गया, वो न्यूज़ वालों पर एक बात नहीं समझ आया, वो सब कुछ किसानों के खिलाफ ही क्यों बोल रहे थे, उनकी तो लैंग्वेज ही अलग जा रही थी। ऐसा नहीं कि जनता पागल है, अगर ये लोग जो कुछ भी दिखाते रहेंगे वो लोग ये समझ जाएंगे। अच्छा, इससे पहले भी जब प्रोटेस्ट हुए हैं, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, सीएनआरसी का जो विरोध हुआ था उसमें हिंसा, वहाँ पर भी जो है समर्थक में लोग आ गए थे, तो क्या आपको लगता है कि ये सब वही चाल है और फिर से दोहराई जा रही है? बिल्कुल, मोदी तानाशाही कर रहा है, उसकी तानाशाही को खत्म करने के लिए वो लोग वो जो हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं ना, तो पूरा देश एकजुट होकर के आकर के खड़ा हो गया था। किस बेस पर वो मतलब कि बांटना चाह रहे कि मुगलों ने पहले आक्रमण किया था और उनकी ये लोग संतान है, तो जोधा अकबर से, जोधा का विवाह अकबर जी से हुआ था, उनकी क्या संतानें नहीं हुई थी, तो वो हिंदू मुस्लिम क्या है, दोनों का खून है ना उसमें, अब कैसे साबित करेंगे ये हिंदू है या मुस्लिम। इस जातिवाद को खत्म करने के लिए आजादी की अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ा, आजादी की लड़ाई में सबका योगदान था, हमने सब कुछ अपने बीच से खत्म कर दिया, हम सब अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं, आप यूथ हैं, वो देश के यूथ के बारे में बहुत बात करते हैं प्रधानमंत्री, और कहते हैं कि देश के यूथ ने ही उनकी सरकार को चुना, अधिकतर वोट दिया है, तो अब उनकी बातों पर नहीं, 2014 में कहेंगे, 2014 में उम्मीद थी, हम कांग्रेस को हटाना चाहते थे, उन्होंने देश को बर्बाद किया भ्रष्टाचार से। 2014 में अपने घर से मैंने वोट करवाई थी, भी मैं उस वक्त 18 की नहीं थी, लेकिन मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मोदी जी ने गुजरात में अच्छा काम किया है, हम लोग इन्हीं को वोट देंगे, हमारे यूथ की उम्मीदें पर भी उन्होंने पानी फेरा है ना, कहाँ वो खड़े उतरे हैं, उनको भी मौका दे करके देख लिया। अब खट्टर ये कह रहे हैं कि डिपो का राशन हम लोग गाड़ी तक घर में पहुंचाएंगे, लेकिन वो गेहूं क्या वो अंबानी के खेतों से लेकर आएंगे? गेहूं क्या उन्होंने गूगल से डाउनलोड किया है? खेतों से ही तो आया होगा, किसानों ने उस पर मेहनत करी है, तो कहां से हम यूथ की, इन्होंने पूरी पीढ़ी को वो बर्बाद करने में लगे, गुलाम बनाने में लगे हैं, क्योंकि राजनीति से दूर करना चाहते हैं। ठीक है, राजनीति से दूर करेंगे तो कैसे देश का भला होगा? आपको क्या लगता है, इस तरह के आंदोलन जब होते हैं और फिर एक तरह की भीड़ तैयार हो जाती है दूसरी तरफ पथराव करने के लिए, किसकी साजिश लगती है, क्या लगता है किस तरफ जा रहा है देश? जिसको इस आंदोलन के भंग होने से फायदा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसी की साजिश है। आज सभी को पता है कौन गुंडा है कौन नहीं है, तड़ी पार कौन है, ये पूरे देश को पता है, उन्हीं को फायदा होगा और वही लोग ये सब करवा रहे हैं। हम साफ साफ कहते हैं, अगर उन्हें लगता है ना कि ये लोग नहीं है तो वो आकर के सफाई दे दे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जो आपको भी पता ही होगा, पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी है, वो भी उन पर आरोप लगा रही है कि ये लोग तो हम इनको इमरान खान की पार्टी को फंड देते हैं, वो अपने गुनाह खुद आकर साफ नहीं कर रहे, आकर बोल देना, पूरे देश का सम्मान है भाई, प्रधानमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, उन्हें पूरे देश के सामने मीडिया के सामने आकर के उनकी बात को विरोध करना चाहिए, उनकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, लेकिन वो लोग करते ही नहीं है ऐसा, तो हम क्या समझे इससे, वो लोग फंड कर रहे हैं पाकिस्तान को। पर उनके पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तो आकर कहते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने सबक सिखाया है, चीन को लाल आंख दिखाई है, कहां गोदी मीडिया सच कहां दिखाती है? हां बिल्कुल, आप देखिए असली अगर न्यूज़ आपको मिलेगी तो बॉर्डर के अंदर घुस चुके हैं, जब वहां हमला होता है उनके बीच में आपस में जब लड़ाई होती है वो पूरी तरीके से सच नहीं दिखाया जाता, सिर्फ ऊपर से हवा फैलाई जाती है। पुलवामा हमले की अभी तक जांच क्यों नहीं कराई गई, वो फाइल अभी तक क्यों बंद है? अब किसानों का जो धरना है ये बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है, आप लोग आते हैं, आप लोग भी लंगर खाते होंगे, ये लोग कितनी सेवा देते हैं आपने भी नोटिस किया होगा, तो अगर आप सच पहुंचाएंगे तो हो सकता है सरकार से दबाव आए, आप भी अपने न्यूज चैनल को बंद करें, आपको भी थोड़ी हिम्मत से काम लेना होगा। लेकिन जो गोदी मीडिया जो बिक चुका है उसका हम लोग बहिष्कार,